और बताते चले कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा और आरएसएस ने हिंदुत्व के एजेंडे को ही आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां योगी के एजेंडे और नारे पर भाजपा आगे बढ़ने वाली है। तो बताते चले कि बड़ी खबर है, जहां यूपी में उपचुनाव के बाद भी हिंदुत्व का एजेंडा जारी रहने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और देख सकते हैं कि जातिगत समीकरण को तोड़ने का सबसे सफल फॉर्मूला भी हिंदुत्व का एजेंडा रहने वाला है। तो इसके साथ ही बताते चले भाजपा और आरएसएस ने हिंदुत्व के एजेंडे को ही आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया है और इस पर अधिक जानकारी हम लेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त संवाददाता शाहिद सिद्दीकी जुड़ रहे हैं, उनसे ही अधिक जानकारी लेंगे। तो शाहिद बताएंगे, जो बड़ा फैसला आरएसएस की तरफ से है और हिंदुत्व के फैसले पर इस बार देखा जा सकता है कि भाजपा और आरएसएस ने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इससे संबंधित? देखिए, आपको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पे गए थे, उन्होंने एक बयान दिया था, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, और इस नारे को उन्होंने जन जन पहुंचाने के लिए कहा था, जिसको भाजपा आरएसएस ने स्वीकार कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ये एजेंडा है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे नारे को आगे बढ़ाना है, क्योंकि सभी पार्टियां सभी राजनीतिक दलों को लेकर चलती है। कोई पिछड़ा वर्ग की राजनीति करता है, कोई दलित का करता है, कोई अल्पसंख्यक का करता है, कोई अग्रे वर्ग का करता है, मगर भारतीय जनता पार्टी का कहना, अगर आप हिंदू हैं, अगर यादव हैं, चमार हैं, पासी हैं, एसटी हैं, तो आप सब हिंदू हैं और एक रहेंगे तो तभी आगे बढ़ेंगे। और इस एजेंडे को उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी लेके बढ़ाना चाहती है, 2027 के चुनाव में लेके बढ़ाना चाहती है, जिसमें भाजपा और आरएसएस ने हिंदू एजेंडे को आगे बढ़ाने का फैसला किया। आरएसएस ने साफ कर दिया है, अब इसकी आगे पूरी रणनीति तैयार होगी और बढ़ेंगे। शायद समीकरणों के हिसाब से अगर देखे तो जिस तरीके से चुनाव को लेकर के मुद्दा आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में चुनावी समीकरण में इसका क्या असर दिखेगा? देखिए, साफ तौर से जाहिर है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें पाई है गठबंधन के साथ, वहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है। और तो भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है उपचुनाव की 9 सीटों को लेकर, और उसमें एक एजेंडा उसने आगे रख दिया है कि अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा। कटेगा मतलब कि वो अभी एक दंगा हुआ बहराइच में, जहां पे एक हिंदू की हत्या हो जाती है, और उसके बाद तमाम बयानबाजी चाहे वो समाजवादी पार्टी की थी चाहे भारतीय जनता पार्टी की सामने आई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि हिंदू एक रहेगा तो आगे बढ़ेगा, और जो लगातार तमाम दलों की मांग है कि हिंदू राष्ट्र भारत बने, तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र बनने की संभावना भी आगे आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी हो सकता है। जी शाहिद, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, और ऐसे ही खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो ये हमारे साथ जुड़े थे ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी।